हम सब साथ में मिलकर शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले हमारे भारत देश में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए हम 11 बार पंचाक्षर मंत्र बोलकर उसको भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। आप सब साथ में मेरे साथ बोलेंगे 11 बार पंचाक्षर मंत्र बोलकर, अंत में शांति बोलकर हमारे जवानों को हम श्रद्धांजलि आज अर्पण करने जा रहे हैं। आइए साथ में एक रिदम में एक आवाज में शहीद नौजवानों को आत्मा को भगवान शिव जी शांति अर्पण करें, ऐसी प्रार्थना के साथ। एक कथा के पहले दिन एक मैं संदेश देना चाहता हूँ। मैंने अभी सूरत से एक फोन आया था तो वहाँ से मैंने बात सुनी कि एक संघवी परिवार और एक माणिक परिवार का आज बड़ा एक विवाह था, बहुत बड़ा भोजन समारंभ था। तो दोनों पक्षों ने मिलकर इस विवाह विधि एकदम सादाई से कर ली और जो भोजन का खर्च था, विवाह का खर्च था, सभी इस धन राशि को बचाकर जो पैसा बचा वो सभी हमारे शहीदों की सेवा में उस दोनों पक्षों ने अर्पण कर दिया। ये प्रारंभ गुजरात में से हुआ है, ऐसा इसलिए मैं गुजरात का हूँ इसलिए गौरव कर रहा हूँ, ये बात नहीं। लेकिन जो गुजरात कर रहा है वो कोई और भी कर सके ना कर सके, इसलिए इस परिवार को भी मैं बहुत धन्यता देता हूँ कि इस बात को उसने स्वीकार करके इस देश की सेवा के लिए उसने ये जो धनराशि समर्पित की है। ये संघवी परिवार और माणिक परिवार को बहुत मैं नमन करता हूँ। और आई कथा के प्रारंभ में हम एक देशभक्ति का छोटा सा पंक्ति गाकर हमें शहीदों को हम याद करेंगे। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे प्यारे बिछड़े छुए, आइए साथ में दो पंक्ति गाकर हम कथा का प्रारंभ करेंगे। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े समन, तुझ पे दिल
Yeah.